फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम। पूनम से इंडियन किचन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम आपके लिए एक स्टार्टर रेसिपी लेके आए हैं और ये बनेगी सूरन से। सूरन को कुछ लोग जिमीकंद नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग याम नाम से भी। ये देखने में उतना अच्छा नहीं होता है, बट इसकी प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। इसे फॉलिक एसिड बहुत अच्छा पाया जाता है, मैग्नीशियम, कैल्शियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसे आप जब बनाएंगे और खाएंगे तो इसके इफेक्ट आप देखेंगे ही, बहुत अच्छा होता है। और इसको हम कई तरीके से बना सकते हैं। मैं एज ए स्टार्टर तवा फ्राई की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत कम तेल में भी रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं इस रेसिपी को देख लेते हैं। सूरन तवा फ्राई बनाने के लिए मैंने ये देखिए 250 ग्राम सूरन लिया है और इसको अच्छे से वॉश किया है। ये क्या है, रूट होता है एक तरीके से, जैसे कि पोटैटो होता है ना, सेम उसी तरीके से होता है। अभी लॉकडाउन का सीजन चल रहा है, आलू है और अरबी है, ये सारी सब्जियां हैं और ये सूरन है। तो ये सारी सब्जियां क्या है, काफ़ी लंबे समय तक टिक जाती हैं घर पर, तो हमें इनको रख लेना चाहिए अभी इस टाइम पर। इसको अभी हमें छीलना है। छीलने के लिए बस ये जैसे अरबी होता है, अरबी में भी थोड़ा सा इचिंग आ जाती है, एलर्जी की प्रॉब्लम होती है, तो इसको भी छीलने में थोड़ा सा वही है। हाथों में हल्का सा तेल लगाएं, फिर आपको छीलने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जैसे देखिए मैंने हाथों में अपने तेल लगाया और फिर इसको आप काटें तो आपको बिल्कुल भी खुजली नहीं होगी, कोई इचिंग नहीं होगी। और यही हाथ आप नाइफ में हल्का हल्का लगा दें ऐसे करके, और फिर इसको हम काट लेंगे। इस तरीके से हमें इसे छीलना है। ये मैंने पीस किया है, आप बिना पीस किए भी इसको छील सकते हैं, पूरा पूरा एक बार में छील लें और बाद में पीसेस कर सकते हैं। इस तरीके हमें हल्के हाथों से, थोड़ा सा हार्ड होता है तो हल्का प्रेशर दे के आप इसे छीलें। अब इसके पीसेस कर लेंगे। पीसेस हमें बहुत मोटे या बहुत पतले नहीं करने हैं, ये देखिए, क्योंकि तवा फ्राई करना है। इस तरीके से पीस कर सकते हैं, बहुत बड़े ना करें, बहुत छोटे करें। ये देखिए पीसेस काट लिए, मैंने इनको दो तीन पानी से धुल लिया है। अब इनको हम जिस शेप में आपको काटने हैं, जितने बड़े काटने हैं उतने आप काट सकते हैं। और इसको हम कुकर में रख कर 1 विजल मीडियम फ्लेम में लगा देंगे। इसमें आप पानी डाल दें 1 कप, 1 स्पून छोटी वाली, नमक डाल देंगे, आधा नींबू लें उसका जूस भी इसी में डाल देंगे, और 1/2 छोटी स्पून हल्दी पाउडर मिक्स, 1/2 छोटी स्पून हल्दी पाउडर, और 1 विजल लगा देंगे। गैस का फ्लेम ऑन कर दिया है और सभी चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स किया, और इसकी लिड बंद करके 1 विजल हम मीडियम फ्लेम में लगा देंगे। देखिए इसकी स्टीम निकल गई है और हम इनको सेपरेट कर लेते हैं पानी से। ये देखिए जिमीकंद बॉयल हो गया है, इनको हम सेपरेट कर लेंगे पानी से एक बाउल में। आपको पता चलेगा इस तरह से आप पोक करके देखें, ये देखिए कितनी आसानी से चला गया, इसका मतलब है ये जिमीकंद बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अब इनमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच ही हमें अमचूर पाउडर, 1 छोटी चम्मच से भी थोड़ा सा कम रखिएगा चिली पाउडर है ये, और थोड़ा सा हमें हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, क्योंकि पहले हमने बॉयल में भी सॉल्ट मिक्स किया था, इसलिए बहुत ध्यान रखें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मिलाएं सॉल्ट। 1 टेबल स्पून, ये देखिए थोड़ा सा बड़ी स्पून है, 1 टेबल स्पून हम बेसन डालेंगे, और 1 चम्मच मैंने ये कर्ड डाला है, थोड़ी सी और कर्ड डालते हैं, बढ़िया टेस्ट आता है कर्ड से। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए सभी से बिल्कुल हल्के हाथों से हमें सभी चीज़ों को कोट करना है, जिससे ये पीसेस ना टूटें और आराम से कोटिंग भी हो जाए। और फिर इसे 5 मिनट के लिए हम रख देंगे। अब ये देखिए मैंने पैन को गरम करने के लिए रख दिया है। इसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे, आप चाहें तो आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए तेल इस तरह से फैला कर डालें। ये मस्टर्ड ऑयल मैंने लिया है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप कोई भी यूज कर।
अब ये सभी पीसेस जो हैं देखिए अच्छे से कोट भी हो चुके हैं और इन्होंने मसाले को एब्जॉर्ब भी कर लिया है। बहुत ही आराम से धीरे धीरे हम इनको पूरे तवे में अच्छे से फैला देंगे। इनको थोड़ा थोड़ा सा डिस्टेंस बनाइएगा क्योंकि जिससे कि आपस में चिपकें भी ना। ये देखिए मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है इसलिए इसमें कम तेल लग रहा है। अगर आप ऐसे नॉर्मल लेंगे तो हो सकता है थोड़ा ज़्यादा लगे क्योंकि फिर नहीं तो चिपकने लगेंगे। नॉन स्टिक पैन की खासियत यही है कि इसको हम बहुत कम तेल में रेडी कर सकते हैं। इस तरह से हिलाते हुए हम इनको बराबर सेकेंगे, बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आप सेकिए इसको जिससे कि नीचे से हल्की हल्की क्रिस्पी हो जाए। देखिए 2 मिनट हो गया है, अब हम इनको पलट देंगे। ये देखिए हल्का कलर चेंज हो रहा है ना, बस इसी तरीके से हमें इनको पलट लेना है किसी भी टोंग की हेल्प से या किसी भी स्पैचुला की हेल्प से। देखिए सभी पीसेस को हमने टर्न कर लिया है और इनमें कलर भी कितना अच्छा आ रहा है। बस इसी तरीके से 2 मिनट हम उस साइड भी पका लेंगे। ये देखिए इधर भी ये सिक गए हैं। बस इनको मैंने थोड़ा सा इसी तरह से अलट पलट कर पूरा हर तरफ से सेंक लिया है जिससे कि काफ़ी क्रिस्पी भी हो गए हैं और बिल्कुल स्टार्टर की तरह आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इनको हम प्लेट में डाल लेंगे। देखिए सिक तो गए हैं, पूरा रेडी है। इसको 4 से 5 मिनट लगा है मुझे रेडी करने में, फ्राई करने में। रेडी करने में तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग गया लेकिन फ्राई करने में इसका टाइमिंग इतना ही रहा है। ये देखिए एक एक पीस आप इसको बढ़िया से रखिए प्लेट में, कितना अच्छा लग रहा है ना देखकर ही। खाने का मन कर रहा होगा, बिल्कुल मन कर रहा होगा, खाइए बिल्कुल, बनाइए जैसा मैंने बनाया है आप इस तरह से बनाइए, खिलाइए सबको, इस रेसिपी को एंजॉय ज़रूर करिए। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर ली है, थोड़ा सा ग्रीन कोरिएंडर के साथ आप इसकी गार्निशिंग करिए, चटनी ग्रीन लीजिए, सॉस लीजिए, जिसके साथ भी पसंद करते हैं। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।